वेंचुरीमीटर। भाई हमारे पास घर पे वाटर पाइपलाइन आती है, वाटर पाइपलाइन में कितना रेट से वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, कितने रेट से लिक्विड फ्लो कर रहा है, वो मेजर करने का कोई डिवाइस होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज वेंचुरीमीटर। भाई हमारे घर में ये वाटर पाइपलाइन आ गई, ये वाटर पाइपलाइन आ गई और इसमें किसी रेट से लिक्विड जा रहा है, क्या चीज, क्यू। क्यू क्या हो गया, वॉल्यूम पर सेकंड। इसको मेजर करने का कोई डिवाइस होगा क्योंकि हम कितना पानी कंज्यूम कर रहे हैं वो इस पे डिपेंड करेगा ना, इस क्यू पे। हाँ, ये क्यू इंस्टेंटेनियस होगा, ये क्यू इंस्टेंटेनियस होगा, ये चेंज भी हो सकता है घर के हिसाब से सोचा जाए तो। क्यों, घर में सारे नलके ऑन कर दिए तो क्यू ज्यादा हो जाएगा, सारे नलके बंद कर दिए तो क्यू जीरो हो जाएगा। तो बगल में कुछ रिकॉर्डिंग डिवाइस भी होना चाहिए कि क्यू ज्यादा है तो वो ज्यादा ज्यादा नोट करता रहे, समझ में आया कि नहीं आया, और क्यू कम है तो धीरे धीरे नोट करता रहे, समझ में आ रहा। ये ऐसे होते थे, बिजली का मीटर नहीं होता था पुराने जमाने वाला, उसके अंदर ऐसे होता था, या ब्लिंकिंग लाइट होती है, तेज तेज कंज्यूम कर रहे हो तो वो लाइट जल्दी जल्दी ब्लिंक करती है, और धीरे धीरे कंज्यूम कर रहे हो तो मीटर की लाइट है वो धीरे धीरे जलती है। नहीं नहीं पता तुम्हें, आज सोसाइटी में जाना, जो नीचे मीटर लगे होते हैं पार्किंग में उनको चेक करना, वहां पर ना लाइटें जल रही होती हैं, ब्लिंक कर रही होती हैं, तो जिसके घर में बिजली का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा होगा वो जल्दी जल्दी ब्लिंक करेगी, और जिसके यहाँ घर वाले घर से बाहर गए हुए हैं उनकी लाइट बंद पड़ी होगी क्योंकि वो एक्चुअली ब्लिंक कर ही नहीं रही होगी, या बहुत धीरे धीरे ब्लिंक कर रही होगी क्योंकि थोड़ा बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। मीटर बिल्कुल डाउन कर दोगे, अगर एमसीबी डाउन कर दोगे तो वो लाइट ब्लिंक करनी बंद हो जाएगी, वो कंजम्पशन के हिसाब से है। तो तुम कहोगे क्यू तो इंस्टेंटेनियस हो गया, अब कोई ऐसा थोड़ी है कि घर के बाहर किसी को बिठा देंगे वो कि अच्छा तेज तेज जा रहा है क्यू तो संभव, मतलब वो नोट कर रहा है क्यू को, अच्छा ठीक है ओके ओके अभी ज्यादा है, अभी ज्यादा है, कम हो गया, नल बंद कर दिया। तो एक रिकॉर्डिंग डिवाइस भी होना चाहिए कि क्यू ज्यादा को मेजर करके रिकॉर्ड भी कर दे, और क्यू कम है तो नहीं, समझे, गॉट इट और नॉट। तो पहली बात तो क्यू को निकालोगे कैसे, यहां पर पहले तो इस पाइपलाइन को काटो, यहां से काट दिया घर के बाहर एक पॉइंट पे जाके उसको कट किया, यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, ऐसा ट्यूब टाइप का होता है, यहां पे एक सींग सा निकला होगा इसमें, पाइप सा ऐसे, ऐसे हो गया। ये क्या किया, सोचो ना तुमने कैसे बनाया ये, समझ तो गए ना क्या किया, ये बना दिया। अब सुनो, क्योंकि ये जिसने बनाया है उसको ये भी पता होगा कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, और उसी ने बनाया है ये तो यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उसे पता होगा। अब जब यहां पर लिक्विड जाएगा, इसमें अब इसमें से अब लिक्विड जाएगा तो हम ये कह सकते हैं दो जगह बर्नौली लगाओ, एक बार बर्नौली लगाओ यहां पे और एक बार बर्नौली लगाओ यहां पे, इसको वन बोल दो, इसको टू बोल दो। क्या मैं कह सकता हूं वन पे क्या होगा, पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस जीरो, जीरो क्यों, क्योंकि रेफरेंस लेवल भी फिर यही मान लो, इज पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस जीरो, यहां तक का तो समझ में आ गया। अब हम ये कह सकते हैं ए वन वी वन इज ऑल्सो ए टू वी टू, दैट इज क्यू, ठीक है ओके। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दूं, इसको ऐसे लिख दूं, पी वन माइनस पी टू, पी वन माइनस पी टू इज रो बाय टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, वी टू स्क्वायर को लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर by a2 square minus q square by a1 square, यहां तक भी सही है पक्का।
अब ये बताओ, अगर गलती से मैंने किसी तरीके से इन दो पॉइंट्स का प्रेशर डिफरेंस निकाल लिया तो आई कैन फाइंड क्यू. गॉट इट और नॉट? अब ये जो ऊपर जो सींग निकाल दिए थे इसके, उनका क्या रोल है भाई? लिक्विड जाएगा इसमें, पानी भरता जाएगा, फवारा बन जाएगा. अरे इतना ऊंचा मानो कि फवारा ना बन पाए, 2 मीटर 4 मीटर का मान लो. तो ये मान लो कि भाई कुछ सर्टेन लेवल तक इसमें पानी राइज कर जाएगा, इसमें भी कुछ सर्टेन लेवल तक पानी राइज कर जाएगा. किसमें ज्यादा हाइट तक राइज करेगा? जहां पे प्रेशर ज्यादा था लिक्विड में. कहां पे ज्यादा था? यहां पे वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा, यहां वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम. तो यहां पर वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा तो ज्यादा हाइट तक राइज कर गया, और यहां पर वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम तो कम हाइट तक राइज कर गया. अब ये बता दो यहां पर इस लिक्विड पे मैं हाइड्रोस्टेटिक के बात कर सकता हूं क्या? क्योंकि ये तो रेस्ट पे है, तो मैं ये कह सकता हूं P1 इज P एटमोस्फेयर प्लस H1 रो जी, एंड कैन आई से इस पे P2 इज P एटमोस्फेयर प्लस H2 रो जी. H2 ये हाइट हो गई, H1 ये हाइट हो गई, और कैन आई से P1 माइनस P2 is this h rho g. तो हमने कह दिया p1 minus p2 is h rho g. अब rho से rho कट गया और हम कह देंगे 2gh upon 1 by a2 square minus 1 by a1 square का root is q. Done. You are not supposed to mug this up, okay? You are not supposed to mug this up. You are supposed to mug up the procedure. बात सुनो, वेंचुरीमीटर था लिक्विड के लिए. अब तुम कहोगे यहां पर ये तो वाटर पाइपलाइन में यूज कर दिया, लिक्विड वाला तो वाटर पाइपलाइन में यूज कर दिया तुमने. अब हमारे पास IGL की पाइपलाइन भी तो आती है, अब उसके लिए भी वेंचुरीमीटर होना चाहिए. अब तुमने ये वेंचुरीमीटर अगर गैस के लिए यूज किया, वो तो दूर की बात है, वो तो हम मान लेंगे भाई, पता नहीं क्या मान लेंगे, भगवान ही जाने क्या मानेंगे. हम मानेंगे गैस इज इनकंप्रेसिबल, दैट इज हाइट ऑफ एनीथिंग, बट मान लिया, चलो मान लिया. लेकिन तब भी तुम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी भी तो मीटर की रीडिंग आती है, लेकिन ये गैस आ रही है कंबस्टिबल नेचुरल गैस, और तदला एस्केप कर गई, फिर ब्लास्ट होएगा. तो ये वेंचुरीमीटर विल नॉट वर्क फॉर IGL पाइपलाइन. ओके, सो उसके लिए वेंचुरीमीटर थोड़ा डिफरेंट होता है गैस के लिए. उसमें क्या कर देते हैं, क्लोज्ड वेंचुरीमीटर बना देते हैं. क्या बना देते हैं? क्लोज्ड वेंचुरीमीटर बना देते हैं इस टाइप का. ऐसे था, इसको कट किया, इसको ऐसे कट किया, यहां पर ऐसे कर दो, यहां पर ऐसे कर दो. समझ में भी आया क्या किया? अब तो गैस एस्केप नहीं कर पाएगी भाई. हमारे पास वो जो दो सींग से बना रखे थे पाइप ऊपर, उनका रोल क्या था? प्रेशर डिफरेंस निकालना. मान लो यहां पर कोई लिक्विड भर दूं, गाइस मान लो यहां पर कोई लिक्विड भर दूं, रेड कलर वाला ये लिक्विड भर दिया. अब नहीं नहीं अब सुनो सुनो, तरीका क्या है इसमें. जब यहां पर गैस जाएगी, यहां पर तो गैस जाएगी, यहां पर गैस फ्लो करेगी, तो यहां पर गैस की वेलोसिटी होगी कम, और यहां पर गैस में वेलोसिटी होगी ज्यादा. ठीक है, यहां पर गैस की वेलोसिटी कम है क्योंकि एरिया ज्यादा है, यहां पे एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो गैस का प्रेशर कम है, यहां पे गैस का प्रेशर
ज्यादा है, गैस का प्रेशर ज्यादा है तो लिक्विड को ज्यादा कंप्रेस करेगी नीचे, और गैस का प्रेशर कम है तो यहां पर एक तरीके से कम प्रेशर हो गया, यहां पर कम प्रेशर होगा तो लिक्विड ऊपर राइज कर जाएगा, यहां पर गैस का प्रेशर ज्यादा है तो लिक्विड नीचे चला जाएगा। तो ये रेड वाला लिक्विड दोनों आर्म्स में सेम लेवल पे नहीं रहेगा, यहां पे ऊपर आ जाएगा और यहां पे नीचे चला जाएगा। दैट मेक सम सेंस। अब यहां पर गैस का प्रेशर है मान लो P1, और यहां पर गैस का प्रेशर है मान लो P2। ये गैस का प्रेशर इस पॉइंट और इस पॉइंट पे है। अब तुम ये कह दोगे भाई गैस का प्रेशर तो हर जगह यहां पर सेम ही होगा, यहां पर गैस का प्रेशर तो हर जगह सेम ही होगा, वो तो एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो यहां पर प्रेशर अलग होगा, यहां पे अलग होगा, यहां पे अलग होगा, फिर यहां पर एरिया बढ़ गया तो प्रेशर सेम ही हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? तो यहां पे गैस में प्रेशर P1 है तो यहां पर हर जगह कितना है P1, यहां पर गैस में प्रेशर P2 है तो यहां पर हर जगह कितना है P2। अब मैं ये कह सकता हूं कि इन अ हॉरिजॉन्टल लेवल इन अ लिक्विड एट रेस्ट प्रेशर शुड बी सेम, यहां पर प्रेशर कितना है P1, यहां पे प्रेशर कितना है P2 प्लस H रो लिक्विड। P1 इज P2 प्लस H रो लिक्विड G। ये मैंने हाइड्रोस्टैटिक किस पे लगाया? लिक्विड पे। हाइड्रोस्टैटिक किस पे लगाया? लिक्विड पे। बस YouTube वाली ही बात कर दी मैंने, YouTube में बस ये कह दिया कि YouTube के इस ब्रांच में प्रेशर P1 है, इधर ब्रांच में प्रेशर P2 है, और यहां पर लिक्विड टू लिक्विड प्रेशर इक्वेट कर सकते हैं इन लिक्विड एट रेस्ट, तो हम कहेंगे P1 इज P2 प्लस H रो G। गॉट इट? अब बर्नौली लगाओगे, बर्नौली लगाओगे गैस पे, हालांकि गैस पे बर्नौली वैलिड है नहीं, क्योंकि गैस पे बर्नौली क्यों वैलिड नहीं है? आइडियल फ्लूइड दैट इज नॉन कंप्रेसिबल, यार हद हो गई, मतलब यहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहां पे प्रेशर कम है, लेकिन तुम ये मान रहे हो गैस की डेंसिटी मोर और लेस सेम है, PV इक्वल टू NRT, हम गए भूल, बस गलत बोला है, गलत है। गैस की, गैस का तुम क्या मान रहे हो? तुम ये मान रहे हो गैस की डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, जबकि नहीं होती है गैस की डेंसिटी। क्या मैंने कुछ और बोल दिया क्या? अच्छा सॉरी, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, प्रेशर ज्यादा, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि गैस की डेंसिटी हर जगह क्या है सेम। तो अब मैं बर्नौली लगाना चाहूं तो लेफ्ट एंड पे क्या होगा? P1, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस जीरो। जीरो क्यों? ये रेफरेंस लेवल की बात हो गई, रेफरेंस लेवल तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का सेम हाइट पे है, वर्टिकल हाइट इज P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस जीरो, एंड P1 माइनस P2 को क्या लिख देंगे? P1 माइनस P2 को क्या लिख देंगे? H रो लिक्विड G इज, बेटा ध्यान रखना यहां पर ये जो रो है ये रो गैस है, ये रो है ये रो गैस है, तो ये बन जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर को लिख सकता हूं Q स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर, माइनस V1 स्क्वायर को लिख सकता हूं Q स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर, सो Q आ जाएगा 2H रो लिक्विड G अपॉन रो गैस 1 बाय A2 स्क्वायर माइनस 1 बाय A1 स्क्वायर का रूट। उस लिक्विड पे भी डिपेंडेंट, क्या लिक्विड पे भी डिपेंडेंट आएगा तो फिर तो उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा लिक्विड तुमने डाला है।